बाबू भली करे एड़ा ना मोटा बरबरा गोला देन के यार के बात बैठी रहे ना तू भी। सो गाइस खाना वाना खा लिया। सो गाइस खाना वाना खा लिया, अभी आए वापस रूम पे। बोलो क्या करना है। मजदूरों मजदूर फंस चुके हैं बुरी तरह से हम लोग, या तो इस पार या उस पार। ना गोवा की ट्रेन मिल रही है ना मनाली की, क्या करे, जाए तो जाए कहाँ, करे तो करे कहाँ। गाइस थोड़ी देर बाद आपको मिलता हूँ मैं। तो गाइस टिकट्स मिल गई है हमको, ये रही हमको चार टिकट्स हैं। हम तीनों लोग जा रहे हैं, अभी घर पे जाएंगे, पैकिंग वगैरह करेंगे और फिर वापस आते हैं 2 बजे स्टेशन पे। पैकिंग डन हो चुकी है, बस थोड़ा सा सामान और बाकी है, वो अंदर डाल दूंगा। और फिर अभी टाइम हुआ है, 1 मिनट, 12 बज गए हैं, अभी 2 बजे ट्रेन है। मैं धीरे इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मम्मी सो रही है, जाग जाएगी तो मार पड़ेगी कि 12 बज रहे हैं अभी तक क्यों जाग रहा है, 2 बजे जाना है। सो हे गाइस, कैसे हो सारे, होप यू ऑल गुड, वेलकम बैक टू माय चैनल अक्षय की व्लॉग्स। आज है, आज तारीख क्या, 29 29 दिसंबर, आज रात के बजे है 2, और अपन 3 लोग हैं, वो जा रहे मनाली के लिए। तो यहाँ से दिल्ली जा रहे बाय ट्रेन, दिल्ली से फिर वोल्वो या फिर कोई भी बस वगैरह ढूंढेंगे, वहाँ से जाएंगे मनाली। और ये प्लान जल्दी जल्दी में बना ना, पैकिंग का वीडियो कुछ आगे का इन्फॉर्मेटिव वीडियो नहीं आया इसलिए आई एम सॉरी, क्योंकि जल्दी जल्दी में प्लान बना। गोवा जा रहे थे बट गोवा का कोई पैकेज वगैरह मिला नहीं, इसलिए मनाली जा रहे हैं। अपन खुद से ही मतलब एक्सप्लोर कर लेंगे मनाली। सो या लेट्स गो। तो गाइस यहाँ पे एक कंफ्यूजन हो गया है, एक भाई था हमारा दिलीप, वो गोवा जा रहा है और हम जा रहे हैं मनाली के लिए, तो मतलब दोनों में से किसी एक की ट्रेन मिस हुई, वो मालूम नहीं चल रहा कि किसकी ट्रेन मिस हुई। तो जाते एक टिकट काउंटर पे चेक कर लेते किसकी मिस हुई, अगर किसी की मिस हुई उसके लिए आज बैठ लगे, अगर किसी की भी नहीं होती आज तो फिर कोई बात नहीं, पूछ के आते एक बार। चल भाई चल। गाइस गुड न्यूज है, दोनों में से किसी की भी ट्रेन नहीं चुकी है, क्योंकि दोनों ट्रेन लेट है, बट 1-1 घंटा लेट है, तो वेट कर दे ट्रेन का और फिर जाएंगे मनाली। तो गाइस अपना भाई दिलीप चला गया है, उसकी ट्रेन आ गई, ये रही ट्रेन इसकी, बस अब अपनी ट्रेन का वेट कर रहे हैं और फिर अपन भी निकलेंगे मनाली के लिए। पूरे दिन पूरा ओटा उठे तोड़ दो ओटा सोमर ट्रेन है 8 बजे डायरेक्ट दिल्ली दिल्ली बैठे हम, बोलो हम बस अपने तैयारी हम जब अपने अपनी पड़ी मैं बड़े बोल डायरेक्ट अरे ओटे बाबू भली करे एड़ा ना मोटा बड़ा बड़ा गोला दे के यार के बात एक या मैं देवा मैं आदो हुआ ना तीन टुकड़ा में आए रहे हैं ट्रेन आने वाली थी 2 बजे बट अभी आई है 4 बजे, क्योंकि 2 घंटे डिले थी ट्रेन, तो मस्त यहाँ पे आग वाग जलाई और ठंड उड़ी थोड़ी। अब ट्रेन आ गई है तो निकल रहे हैं यहाँ से जोधपुर के लिए। जोधपुर अभी यहाँ से जाएंगे जोधपुर, जोधपुर में पूरा दिन स्टे करेंगे और उसके बाद रात को 8 बजे ट्रेन है दिल्ली की। D1 हाँ देख 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 होएगा 7A D1। तो गाइस ये कंफ्यूजन हो गया है सभी लोगों का, यहाँ पे ट्रेन में पकड़ मच चुकी है, क्योंकि ये जो 2 ट्रेन आ रही थी एक के पीछे एक ट्रेन थी, बट ये पहले ट्रेन आ गई तो हमसे थोड़ी सी गलती हो गई क्योंकि हम दूसरी ट्रेन में चढ़ चुके। तो अभी मतलब आगे नेक्स्ट स्टॉप भिनमाल है, तो भिनमाल में रुकेंगे और पीछे जो ट्रेन आ रही है उनमें चढ़ेंगे वापस। तो गाइस भिनमाल आ गए, जो हमसे गलती हुई उसे सुधारने जा रहे हैं, भिनमाल स्टेशन पर रुकेंगे, इसके बाद दूसरी गाड़ी है 14-18-4। तो गाइस भिनमाल पहुंच गए, बस अभी सेकंड ट्रेन का वेट करेंगे और फिर चढ़ेंगे उस पर। गाइस ठंड बहुत ज़्यादा है यहाँ पे और ठंड में वेट कर रहे हैं हम लोग तीनों, एक बार ट्रेन मिस कर दी है, अभी दूसरी बार ऐसी गलती नहीं करेंगे हम, ये हमने प्राण ले लिए हैं, ये ठान लिया है हमने दूसरी बार ऐसी गलती नहीं करेंगे। सो गाइस ये रहे रही सर और अंकुश,
और वहां से आएगी अपनी ट्रेन D1, 61, 62, 63। पिछली बार गलत ट्रेन में चले गए, इसी बार नहीं करेंगे, पहले दिन पॉपट हो गया। कोई बात नहीं, अभी ध्यान रखेंगे। सो गाइस फाइनली ट्रेन मिल गई है, अब मिलता हूँ आपको सीधा सुबह, क्योंकि रात है कुछ बता नहीं पाऊंगा, तो मिलते सीधा सुबह। सो गाइस गुड मॉर्निंग, सुबह हो चुकी है, अभी ट्रेन अपनी लूनी पहुंचने वाली है। सुबह का टाइम हो रहा है 7:42, अभी ट्रेन लूनी पहुंचेगी, उसके बाद 8:10 के समथिंग लगभग हम पहुंचेंगे जोधपुर। सो गाइस गुड मॉर्निंग, सुबह हो चुकी है, अभी लूनी पहुंचे हम, लगभग टाइम हो रहा है 7:53 और 8:30 तक हम होंगे भगत की खोटी मतलब जोधपुर, और जोधपुर से हमें रात को 8 ट्रेन है दिल्ली की। तो तब तक क्या करेंगे देखते हैं, आगे जाकर क्या करते हैं। क्यों भाई आगे कहीं नहीं, जोधपुर में क्या करेंगे, रुकेंगे आज कहाँ पे, दोस्त का रूम है वहीं रुकेगा। चलो देखते हैं, अगर दोस्त रुकने देगा इसका तो रुक लेंगे, नहीं तो फिर कहीं पे बैठेंगे, ठिकाना बताएंगे। जोधपुर पहुंच चुके हैं हम लोग, अभी किसी फ्रेंड का वेट कर रहे हैं, उसके रूम पे जाएंगे, फ्रेश व्रेश होंगे और बाहर निकलेंगे, थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे, नाश्ता वाश्ता करेंगे और 6 का वेट करेंगे। 6 जाएंगे अपन जोधपुर स्टेशन पे, वहाँ पे आएगी ट्रेन, वहाँ से दिल्ली, लेट्स गो। सो गाइस संगोज का फ्रेंड मिल गया, अभी जा रहे हैं इसको रूम पे, थोड़ा फ्रेश व्रेश होंगे, थोड़ा आराम करेंगे और फिर बाहर निकलेंगे, थोड़ा टाइम पास करेंगे 6 तक और फिर स्टेशन पे दिल्ली के लिए, लेट्स गो। तो गाइस रूम में आ चुके हैं, अभी यहाँ से एटीएम में पैसे डलवाए घर से, तो मतलब फोन पे में, और अभी जाएंगे बैंक में, बैंक से पैसे निकलवाते हैं, वापस आते हैं, फ्रेश व्रेश होंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे और उसके बाद निकलेंगे, 6 तक टाइम पास करना है, उसके बाद स्टेशन पे। दोपहर के 1 रहे हैं, अभी हॉस्टल में खाना खा रहे हैं, वहाँ पर खाना खाएंगे, थोड़ी देर बाद बाहर निकलेंगे और फिर ट्रेन के लिए जाएंगे, क्योंकि टाइम कम बचा है। सो गाइस खाना वाना खा लिया, सो गाइस खाना वाना खा लिया, अभी आए वापस रूम पे। सो गाइस खाना वाना खा लिया, अभी आए वापस रूम पे, थोड़ा रेस्ट करेंगे, अभी टाइम हो रहा है। सो गाइस खाना वाना खा लिया, अभी वापस आए रूम पे, अभी टाइम हो रहा है 2 रहे और 6 में स्टेशन पे जाना है। खाना ना खा लिया, अभी आए बस, खाना ना खा लिया, अभी आए रूम पे, रूम पे थोड़ा रेस्ट करेंगे, 2 रहे और 6-7 हम जाएंगे स्टेशन पे ट्रेन के लिए, और 8 ट्रेन है ना, 8 ट्रेन है हमको, सुबह दिल्ली पहुंचाएगी 6 है ना। बाय बाय, सो जाओ, गुड नाइट। I remember that I was drunk out my mind when we kissed for the first time. In the back of your car, we passed out counting stars. Promise all these years we've had. Packing done, ho chuki hai, wab.
पास यहाँ से सब लोग तैयार हो गए थे मुंबई दौरे सब लोगों ने। अभी यहाँ से जाएंगे हम जोधपुर स्टेशन के लिए, वहाँ से 8 बजे गाड़ी है, तो सीधा जाएंगे सुबह दिल्ली। हाँ ये हमारे रूम मालिक है हेमाराम, जिसने हमारे बहुत मदद की है और इसके लिए बहुत थैंक यू। और शुक्रिया ये हेमाराम भाई है अपना भाई है भाई हमारे तो दो अंकुश ने कॉल किया, इनका फ्रेंड था, उन्होंने इनको कॉल किया कि हमारे लिए कुछ व्यवस्था कर देगा, तो हमें हमको इनने हॉस्टल में रखा, थोड़ी देर के लिए खाना खिलाया और बहुत सारा प्यार दिया, बस ऐसे प्यार बना दे रहे हो आप भी। पैकिंग डन हो चुकी है वापस से, अभी यहाँ से जा रहे हैं हम जोधपुर स्टेशन के लिए, 8 बजे ट्रेन है, वहाँ से निकलेंगे हम दिल्ली के लिए और फिर दिल्ली से मनाली। सो गाइस ये था वो हॉस्टल जहाँ पे हम स्टे कर रहे थे, और ये अपने भाई जिन्होंने अपनको स्टे करने के लिए परमिशन दी यहाँ पे, अंकुश के वैसे फ्रेंड है, उसका भाई लगता है शायद ये, वो अभी जोधपुर में है नहीं, तो इनको बोला, इन्होंने बहुत सेवा की अपनी, बिग थम्स अप टू हिम, गुड जॉब। और रही सर कैसा लग रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है, ठंड बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, बस एक दिन बाद -12 में जाएंगे हम लोग। अभी 15 डिग्री में ये हाल हो रहा है, -12 में क्या होगा, हालत खराब। बस में जा रहे हैं क्योंकि रिक्शा वाले किराया ले रहे 100 रुपीज़, और यहाँ पे बस 10 पर है 10-20 पे ये लेके जाते हैं गाइस। अपन पहुंच गए स्टेशन, बस थोड़ा आगे जिस अपने को दिख रहा है स्टेशन, यहाँ पे 8 बजे तक वेट करना है हम लोगों को, 8 बजे ट्रेन है दिल्ली की, दिल्ली पहुँचेगी सुबह 6 बजे, तो देखते हैं अभी इतना टाइम क्या करना है, खाना भी खाएंगे उसके बाद ट्रेन में चलेंगे यार। तो हाँ मिलता हूँ थोड़ी देर बाद आपको। गाइस हम तीनों पागल बंदों ने डिसाइड किया है कि 6 बज रहे हैं तो खाना खा लेते हैं, क्योंकि टाइम निकलेगा पता नहीं चलेगा, और उसके बाद हम डायरेक्ट स्टेशन के अंदर चले जाएंगे थोड़ा बहुत सामान लेके, रात को खाने के लिए पूरी नाइट ट्रेन चलेगी, सुबह तक 6 बजे लगभग उतारेगी दिल्ली, तो इसमें मुझे लगता है कि लगभग रात को कोई खाने के लिए आएगा नहीं स्टेशन पे, तो इसीलिए अभी खा रहे और डायरेक्ट स्टेशन पे चले जाएंगे, थोड़ा बहुत मतलब कि खाना नहीं कुछ नमकीन वगैरह चिप्स वगैरह। चल ठीक है आपको मिलता हूँ खाना खाने के बाद। Try to replace you with somebody out there. If I didn't chase you, would you even care? And if I lost my mind, would you come? So guys, अपना खाना वाना हो चुका है, रवि सर अभी तक खा रहे हैं और खाना एक नंबर था, बस अभी यहाँ से खाना खा के स्टेशन पे जाएंगे और वहाँ से ट्रेन में फिर अपन निकलेंगे दिल्ली के लिए। जोधपुर पहुँच चुके हैं स्टेशन पे, अभी यहाँ पे थोड़ा वाला फोटोशूट करेंगे इंस्टा के लिए, और आपने अगर इंस्टा पे हमको फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लो, डिस्क्रिप्शन में मेरी अंकुश की और रईसर की तीनों की आईडी मेंशन की हुई है, सपोर्ट करो भाई को थोड़ा, और अभी फोटोशूट चलेंगे और 8 बजे ट्रेन आएगी तो उसमें जाएंगे। तो गाइस जोरों शोरों से फोटोशूट चल रहा है, मैं इतना फोटोशूट वगैरह कर नहीं रहा हूँ क्योंकि मुझे ब्लॉग पे ध्यान देना है, रील्स वगैरह कुछ नहीं बना रहा हूँ मैं, बस अभी एक जितना अच्छा ब्लॉग बन सके उतना अच्छा ब्लॉग बनाने की ट्राई करेंगे, और आपको बस सपोर्ट करना है, अपने दोस्तों में शेयर करो, व्हाट्सएप स्टेटस लगाओ ये अपना भाई है उसको सपोर्ट करो, बस आपका सपोर्ट चाहिए और कुछ नहीं। Found a picture we took many years ago. When I said to you we would never grow old. Messages I've saved that I never send, 'cause I don't know you, but I used to back then. I remember that I was drunk on my mind.
सो गाइस फोटोशूट वगैरह कंप्लीट हो चुका था, अभी स्टेशन पे है हम, जोधपुर स्टेशन पे। दिखा नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे फोटोग्राफी अलाउड नहीं, फिर भी मैं कर रहा हूँ। हम लोग थोड़ा ज़्यादा लंबा बन रहा है तो इसीलिए नेक्स्ट पार्ट को देखो और जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग, कीप वॉचिंग।